पास एक बारी फिर से आपका स्वागत है आपने चैनल चपाती बच्चा। एक बारी इंट्रो सही करने के बाद 10 बारी गलत हो रहा है। और अभी गाइस मैं आ चुका हूं माइनक्राफ्ट के अंदर और यार मेरे को पता है मैं क्रिएटिव मोड में खेल रहा हूं, बाद में यही मेरे को काम आने वाला है। और आपको तो पता है कि माइनक्राफ्ट बहुत ही जबरदस्त गेम है, हैप्पी गेम, सैड गेम, हॉरर गेम, स्केरी गेम, हार्ड वर्किंग गेम और एट द सेम टाइम द मोस्ट सैटिस्फाइंग गेम। और आपको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि आपको एकदम प्रो सैटिस्फैक्शन वाली फील देती है। तो सबसे पहले कहा जाता है हमारा एक लाइक एक्सपी फार्म, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ चुके हैं, एक बंदे के पास तलवार है, तो अगर मैं इसको प्ले करके देखूँ तो मेरे को लगता है कि एक ही बार में सारे मर जाएंगे। भाई कितना एक्सपी ले रहा है यार, तो यहाँ पर वो एक्सपी होना बंद ही नहीं हो रहा, इसका एक्सपी था 0 और इवेंचुअली करते 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 इसका एक्सपी पहुंच चुका है भाई 11 से भी ऊपर। नो वे, 13 से ऊपर जाना इम्पॉसिबल है, 14 तो भाई साहब ये देखो 0 से 14 और साथ में फ्री का खाना। और अभी आ चुका है गाइस नॉकपैक मछली के ऊपर, नाइस है भाई, मछली के ऊपर इन लोगों ने नॉकपैक लगा कर रखी है और ये पढ़ने वाली है आई थिंक हमारे प्यारे गाँव वालों को। गाइस भाग जाओ भाई, ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है और एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा क्रूअल भी है भाई, तेरे को अगर इनके गोले में देख लिया ना तो तेरे को मछली के साथ ऐसे मारेगा ऐसे। और अभी आता था लॉन्गेस्ट शॉट, ओ भाई साहब नहीं पड़ेगी, ओ एक्चुअली पड़ चुकी है इसको, नाइस, नॉट विद द ट्राइडेंट यार, नहीं पड़ेगी। अरे यार इससे अचीवमेंट मिलती है, मेरे को पता भी नहीं था। और ऑब्वियसली गाइस सबसे पहले मेरे को जाके ये ट्राई करना है, तो सबसे पहले मेरे को निकालनी है लॉयल्टी, उसके बाद रिपटाइड एंड चैनलिंग एंड फाइनली आता है गाइस अपना इधर क्या ट्राइडेंट ये रहा एंड फट 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 क्या फट फट चीजें हो रही है, क्या हो रहा है भाई, ये मैं क्रिएटिव में खेल रहा हूँ लगा दे सब कुछ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई, रिपटाइड के ऊपर आप रॉयल्टी नहीं लगा सकते नूपड़ा पंती। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, क्रिएटिव में से दूसरा ट्राइडेंट निकालो, सबसे पहले जाएगी चैनलिंग फिर लॉयल्टी, इसको डालते हैं बिन के अंदर, उसके बाद आता है गाइस टाइम सेट नाइट और अभी वेट करते हैं अपनी माइनक्राफ्ट की मॉब्स का। हेलो स्कॉलर, मैं तेरे ऊपर ट्राइडेंट नहीं मार, आई थिंक काउस के ऊपर भी हो सकता, तो काम करते हैं मैंने फुली लोड करके रखा हुआ एंड फायर, नहीं पड़ी एंड फायर, नहीं पड़ी फायर, कम ऑन एंड पक्का एम पॉइंट लगा के आई है, लेट्स गो, अ थ्रो अवे जोक, ऐसी अचीवमेंट होती है मेरे को पता भी नहीं था। और अभी हम गाइस ट्राई करेंगे अपने स्केलेटन के ऊपर जो कि बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ है एंड फट से मारा और एक ही स्विंग में गया भाई, नहीं। अरे यार ये एक्चुअली बहुत क्रूअल और एट द सेम टाइम वंस अगेन बहुत सैटिस्फाइंग है। अरे ये सबको भाई सबको चार्ज कर रहा है, ये काम कर वहां पर जाके अपनी फोन रख, उसके ऊपर ट्राइडेंट मार, फिर देखियो लाइटनिंग उसके ऊपर चमकेगी और तेरी फोन एकदम से 100% चार्ज हो जाएगी। हम गधे हां, प्लीज ट्राई मत करना ठीक है। स्ट्रेंथ लेवल 255, कैसे करता है ये इफेक्ट, गिव स्ट्रेंथ टू 100, व्हाई व्हाई व्हाट, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है कि नहीं होती, अब ये बंदा तो एक्चुअली हल्क बन चुका है अब तो, आई एक ही पंच में काई जा रही है, वेट व्हाट, एक्चुअली सैटिस्फाइंग है यार, एक ही पंच में फेंकी भी किया, नो एंडरमैन नहीं जाएगा एक पंच, व्हाट व्हाट, अरे भी इधर नहीं जा सकते एक पंच में, इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल, बैस की आग एक बार में एक ही पंच में इधर गया, नॉट द एंडो ड्रैगन, ओ माय गॉड। सबसे पहले इफेक्ट, ये वाली कमांड थी इफेक्ट एट पी और हमें लगाना यहाँ पर स्ट्रेंथ वाली इफेक्ट, तो मैक्स है इसकी 255 एंड एंटर इधर और आप बन चुके हैं भाई हॉल्क, आजा सबसे पहले तू ही मरेगा, मगर क्यों एक्चुअली काम कर रहा भाई, एक ही बार में जा रहे हैं, लेट्स गो भाई सारे गए यहाँ पर एंड एक और यहाँ पर मेरे को याद है स्केली खड़ा था, वो मेरे को देख के ही भागा, मेरे को तीर मारेगा, तू ये ले एक और ले तू भी जाएगा, 1 2 3 एंड 1 2 3 आ गया, हेलो भाई हेलो कैसे हो जी कैसे हो, एंड फट अभी ये जाके फटेगा, अभी आपकी बारी गाइस, मेरे को आगे चलने का कोई शौक नहीं है, आपकी बारी हम पीछे खड़े होके आराम से नजारा लेंगे, अबे नीचे आ तेरे को मारना मुझे, नीचे आ भाई ऊपर जाने की कोई हरकत मत करियो, और कुछ हुआ भी नहीं मुझे, अभी कमांड लगाने दे, रुक रुक, हेलो सर जी रुक जा नीचे आ भाई, मुझे तेरे को मारना है, अरे यार मर मेरे भाई, तेरे को मरना था, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग, मर जा, अरे एक्चुअली काम कर रहा है, मेरे को मरते समय फिर ही मेरे को मार के चला गया ये। उसके बाद आता है गाइस अपना डायमंड्स, ऑब्वियसली गाइस जो भी काम करते हो माइनक्राफ्ट के अंदर जो भी कर लो डायमंड इज द मोस्ट सैटिस्फाइंग थिंग, जितने मर्जी डायमंड हो ना इनको तोड़ के इनको उठाने में क्या सैटिस्फैक्शन मिलता है ये मेरे को पता है और ये आपको पता है ठीक है, ये एक्चुअली मोस्ट सैटिस्फाइंग थिंग माइनक्राफ्ट के अंदर डायमंड ढूंढना एंड डायमंड उठाना, वेट व्हाट,
भाई साहब ये कौन सी पिकैक्स है इसके पास? भाई लिटरली मेरे को लग रहा है कि ये दुबड़ा जो है क्रिएटिव में खेल रहा है। ऑब्वियसली इसके ऊपर एफिशिएंसी 5 मेंडिंग मुंडिंग पूरी फुल तरीके की लगा कर रखी है, पर आई डोंट थिंक कि एफिशिएंसी 5 इतना खतरनाक वाला काम करती होगी। ओके सबसे पहले निकालते हैं एफिशिएंसी 5, एक पिकैक्स, मेंडिंग मुंडिंग पूरी लगा लो एंड फाइनली ऑब्सिडियन पाट पाट प्याओ। सर्वाइवर में जाके अभी इसको तोड़ना है। ये देख रहे हो भाई मुझसे इतनी जल्दी टूट ही नहीं रहा, और हालांकि मेरे पास आ चुकी है नेदर वर्ल्ड की पिकैक्स, मतलब कि जल्दी टूटना चाहिए, लेकिन फिर भी उस लेवल का नहीं टूट रहा जिस लेवल का वो तोड़ रहा था, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा बहुत फास्ट ही है। उसके बाद आता है गाइस लावा और पानी। भाई ये कितना सैटिस्फाइंग लग रहा है यार, ये पूरे हर एक ब्लॉक इन लोगों ने जो है, मतलब नॉट इन लोगों ने, पानी ने पूरा ऑब्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर लिए। भाई साहब ये तो पूरा वाटरफॉल इन लोगों ने बना के रखा है। तो पहले ये वाटरफॉल था लावा का, उसके बाद इन लोगों ने वाटरफॉल बना दिया पानी का, और अभी तक जा ही जा रहा है यार, एकदम ओपी सैटिस्फैक्शन मेरे को यहाँ पर आ रही है। ओ व्हाट, ओ व्हाट, अरे भाई एकदम जबरदस्त। ओके इसने कैसे किया? अरे ये खतरनाक है यार। आई ऐसे मत करा करो, पूरी माइनक्राफ्ट ग्लिच हो जाएगी। और ये कितनी लंबी दीवार है, और ये गिरी जा रहे हैं। व्हाट, ऐसे लाइक वेव्स सा बन चुका है, लाइक एरो से बन चुके हैं ऊपर देखने के लिए। नहीं, ग्लास तोड़ना सैटिस्फाई नहीं होता भाई, मेरे को पता है ग्लास इकट्ठा करने में और ग्लास को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। एक्चुअली गुस्सा आता है जब ग्लास तोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि और बनाने के लिए और जाके मटेरियल लेके आना पड़ेगा। और उसके बाद गाइस हम आ चुके हैं यूट्यूब की दुनिया के ऊपर, और हम वीडियो देखेंगे द बेस्ट क्यूब HD की, वेरी सैटिस्फाइंग एंड रिलैक्सिंग माइनक्राफ्ट की वीडियो है ये। तो आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो को लाइक कर देते हैं और शुरुआत से देखते हैं ये वीडियो। भाई साहब कितना बड़ा ड्रॉपर है, और एक्चुअली वे बहुत ज्यादा सैटिस्फाइंग लग रहा है यार ये मेरे को, और ये जा रहा। ओके एक्चुअली खत्म हो चुका है, नाइस वेल डन, ये सही था। उसके बाद गाइस सैंड के अंदर इन लोगों ने कुछ होल्स बना के रखे हुए हैं, और ऊपर से सैंड गिर रही है यार, ये सैटिस्फाइंग था। अब ये क्या करने वाला, ओए ये एक्चुअली मैं देख चुका हूँ, और इसका वे व्हाट, अच्छा नीचे पानी था। अरे ओके अभी इसने पूरा वर्ल्ड खोल कर रखा है, वो भी डर्ट ब्लॉक का। अरे मेरे को पता क्या होगा, पूरा अभी ये ग्रास ब्लॉक पूरा फैल जाएगा, देखना अभी इसको यहाँ पर पूरा तोड़ के यहाँ पर बाहर निकल के रखना होगा ग्रास का ब्लॉक, और जैसे ही रखोगे पूरा, अरे यार देख रहे गाइस पूरी ग्रास फैल चुकी है। तो ये वर्ल्ड के अंदर पूरी डर्ट थी, और अभी एक ब्लॉक से पूरी ग्रास हो चुकी है, सिर्फ एक ब्लॉक से। ये तूने क्या बना कर रख दिया, आई डोंट थिंक ये सैटिस्फैक्शन वाली वीडियो भाई, ये बम बना कर रख दिया तूने यहाँ पर, और वे व्हाट, पूरी वेव बना दी इसने यहाँ पर। ओहो यार कैसे करते हैं यार, ये कितनी भाई इसने रेडस्टोन यहाँ पर करके रखी है सिर्फ एक सीन निकालने के लिए, और मैं बता रहा हूँ एक्चुअली वर्थ है ये। ओह माय गॉड इतने सारे ग्रास वाले ब्लॉक्स के ऊपर इतने सारे सैपलिंग्स, अगर अभी इसने, अच्छा तो दुनिया के अंदर जंगल ऐसे बनते थे, मेरे को पता भी नहीं था। लिटरली आधे सेकंड के अंदर पूरा जो प्लेन था पूरा जंगल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अभी क्या करने वाला, अरे चिकन वाला है यार, अब ये सारे चिकन जैसे ब्लॉक तोड़ेगा ना एकदम उड़ जाएंगे, एक वहां पर एक वहां पर एक यहाँ पर। भाई जुलम हो रहा चिकन के ऊपर, ये क्या हो रहा है, ये तो लट्टू बन गया माइनक्राफ्ट के। वो अभी रुक जाओ, ये बिल्कुल ट्राई करना है। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे बिल्ड करते हैं, और अभी निकालते हैं चिकन का एग, नीचे वाले बिल्डिंग तोड़ देते हैं, अभी सबन करेंगे 50,00,000 करोड़ चिकन। लेकिन मेरे को पता है कि माइनक्राफ्ट वालों ने ये हैक एक्चुअली पैच करके रखा हुआ है, तो अभी इन लोगों ने पूरी मैक्सिमम लिमिट लगा कर रखी है पर ब्लॉक पर, और देख रहे हो जैसी लिमिट कंप्लीट होगी बाकी के चिकन जो है जैसे मैं सबन करूंगा वो मरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी मेरे को चेक करना है, अगर मैं ये ब्लॉक तोड़ता हूँ, हेलीकॉप्टर नीचे गिरते ही सारे फैल जाओ। आपका फेवरेट सैटिस्फाइंग वाला मोमेंट कौन सा था मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर अभी जाके बताइए, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में।